तो हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है 134 की स्पीड से। वेलकम जी, स्वागत है, धन्यवाद। इस ट्रेन के वॉशरूम की इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है। भगवान श्री राम जी का जन्म बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ भारत की एक अनोखी यात्रा कि पर्यटन क्षेत्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धि सिद्ध हो रही है और इसके कारण से भारतीय रेल का मान सम्मान भारत में नहीं विदेश में भी पड़ोसी देशों तक फैल रहा है। और इस यात्रा के माध्यम से आज हम करने वाले हैं भारत से नेपाल की यात्रा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और मैं इसके जस्ट सामने खड़ा हूँ क्योंकि आज यहाँ से होने वाला है एक बहुत ही सुंदर यात्रा का आरंभ। और इस यात्रा का एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्ड में एक दिन से लेकर के अंतिम दिन तक दूंगा। क्या है वो यात्रा, वो मैं आपको दिखलाता हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय स्टेशन को कितनी सुंदर तरीके से साज सजाया गया है। आप चारों तरफ देखिए, पूरी तरह से रेड कारपेट है और चारों तरफ फूल पत्तियों से सुगंधित तरीके से इसको सुसज्जित किया गया है। और इस समय हो रहा है हमारे भारत गौरव ट्रेन के यात्रियों का आगमन और उनका यहाँ पर हो रहा है भारी स्वागत। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है सबको, पानी से लेकर के पट्टे तक, माले और पैम्पलेट और सारी छाते, लॉकेट आदि, बहुत सारे कार्ड आदि यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है सबसे पहले इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों का स्वागत। चलिए अब अपना स्वागत करते हैं। तो मित्रों, चलिए अब हम करते हैं अपना यहाँ पर जो वेलकम होता है वो करते हैं। सारे जो आ रहे हैं देख सकते हैं इस प्रकार से लेने होते हैं। जितने भी पैसेंजर हैं सबको यहाँ पर इस प्रकार से आईडी कार्ड होता है, उनके उनका फोटो होता है और उसके बाद ये उनको गले में माला लगानी होती है। साथ में फिर अब आगे स्टार्ट होता है इस प्रकार से, है ना। देखिए सब लोग का है ये ले लो, ये ले लो। तो इस प्रकार आज आपके साथ ही है। चलिए, तो इस प्रकार से देखिए स्वागत होता है और सारा कुछ लेने के बाद, पानी भी लेने के बाद, अब हम आगे ट्रेन की ओर अग्रसर होते हैं प्रस्थान करते हैं। तो मित्रों देखिए, यहाँ से इस प्रकार से सिक्योरिटी चेक इन होती है और इस प्रकार से सिक्योरिटी चेक करते हुए आपको अपना सामान वगैरह चेक कराते हैं, आगे बढ़ना होता है अंदर। और अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है पूरी तरह से स्टेज और यहाँ पर जितने जाने वाले यात्री उनको यहाँ पर बैठाया जा रहा है और साथ में जो पूरी आइटनरी है, ट्रिप है, उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। सामने आके आज इनका होस्ट होगा, जो करेंगे वो होंगे अश्विनी वैष्णव जी, हमारे रेल मिनिस्टर। और साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हमारी ट्रेन। तो मित्रों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है भारत की पर्यटन ट्रेन, अर्थात कहें तो भारत की जो है कि लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। और इसी ट्रेन के माध्यम से भारत में इस बार इस यात्रा के समय अवधि में भारत में नेपाल मैत्री ट्रेन चलाई जा रही है, जिसको कि स्वयं हरी झंडी दिखाने के लिए भारतीय रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिनकी कि हम आपको एक्सक्लूसिव छवि दर्शा रहे हैं। तो मित्रों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है भारत गौरव ट्रेन और इस समय मैं इसके सामने खड़ा हूँ क्योंकि इस ट्रेन से मैं स्वयं आज यात्रा कर रहा हूँ और यह यात्रा होगी भारत से नेपाल की मैत्री यात्रा। और इस यात्रा में आपको करने का अवसर मिलेगा, पर्यटन घूमने का अवसर मिलेगा, जो होगा राम जी और शिव जी से जुड़े हुए, जिसमें कि अयोध्या, काशी, सीतामढ़ी के साथ साथ भारत के अतिरिक्त जब आप नेपाल में प्रवेश करेंगे तो आपको पोखरा, काठमांडू और जनकपुर आदि जो विशिष्ट
पर्यटन और धार्मिक स्थल है उसको भी आपको इस ट्रेन के माध्यम से घूमने का और दर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये बहुत ही देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण यात्रा है और जिसमें कि बहुत ही अच्छे आपको अनुभव होने वाले हैं। कैसा होगा यात्रा, कैसी होगी किराया और कैसी कुछ कुल मिलाकर के जो फैसिलिटीज होने वाली हैं वो किस प्रकार से मिलेंगी, चूंकि इस ट्रेन को स्वयं हरी झंडी अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर भारत के दिखाया है और इस प्रकार से इस कारण से यह यात्रा अपने आप में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दर्शाते हैं कि यह यात्रा कैसी होने वाली है। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस समय इंजन है, इंजन आपको पढ़ सकते हैं रोयापुरम का बना हुआ है और इंजन से लेकर के पूरी की पूरी जो जितने भी बोगियां हैं, कोचेज हैं, सबको सजाया गया है और सामने आपको देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर रेड कारपेट बिछा हुआ है जिसकी हम लोगों के सभी पर्यटन जो पर्यटक हैं, जितने भी लोग इस ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं उनके स्वागत के लिए बिछाया गया है और यह रेड कारपेट से ही चलते हुए सभी पर्यटक अपने अपने सीट अपना अर्थात कोच में प्रवेश करेंगे। साथ ही आप देखिए कि इस ट्रेन को भी अंदर ही नहीं बाहर से भी चमकाया जा रहा है ताकि हर एक सुविधा और जो सुखद अनुभव है वो आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन फ्लॉग हुआ है और हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है। ट्रेन का टाइम था हमारा 4 बजे का और देख सकते हैं टाइम एग्जैक्टली 4:01-2 पहले ही हमारी ट्रेन ने अपना जो कि यात्रा आरंभ कर दिया है। यहाँ पर ग्रीन फ्लैग दिखाया जा चुका है और सामने हमारे मिनिस्टर सर इधर हैं जो कि मीडिया कर्मियों से घिरे हुए। भारत के बाद मैत्री यात्रा इस यात्रा का एक टूरिस्ट ट्रेन का नाम है और यह टूरिस्ट ट्रेन ऐसी कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं, ऐसी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो कि भारत गौरव ट्रेन नाम से संचालित है और अब हमारी यात्रा यह आरंभ हो चुकी है और अब हम आपको इस यात्रा में इस एक्सक्लूसिव जर्नी में दिखाएंगे कि और हमें क्या क्या देखने को मिलता है और हमारी यह यात्रा कैसी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जय श्री राम। तो चलिए अब हम आपको कराते हैं इस एसी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन की इंटीरियर की एक्सक्लूसिव टूर और दिखलाते हैं इस ट्रेन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। पूरी की पूरी बर्थ से लेकर के टॉयलेट से लेकर के सब कुछ आपको मैं किचन बुफे सब कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप जैसा कि एंट्री करेंगे इस गेट से, जैसे कि हम एंट्री कर चुके हैं तो आपको एक कोच नंबर आपको दिखेगा जैसे कि AH1 और इस प्रकार की देखिए सुंदर वॉल जो पेंटिंग है उससे भी आपको यहाँ पर सुंदरता बढ़ाया गया और साथ में कुछ न कुछ एक ध्वनि सुंदर आपको सुनते हुए जो मनमोहक आपको मंत्र मुग्ध करने के लिए लग बजती रहती है। और यहाँ पर अब हम करेंगे एंट्री इस प्रकार से और ये होगा पूरा आपको पास अंदर जाने का। इस प्रकार से कूप और अलग अलग जो कोचेज हैं कोच में आपको बर्थ देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरा है D में आप आएंगे अंदर तो आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है। और यह देखिए आपका गेट है जो अपने आप इस प्रकार से बंद हो जाएगा और आप इसे यहाँ से ऐसे लॉक भी कर सकते हैं और लॉक करने के बाद पर्दा बंद कर दें, गिरा दें तो आपका ये हो जाता है प्राइवेट केबिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने स्वयं का जो है कि लुक देखने के लिए भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से बड़ा सा मिरर मिलता है। इधर भी एक मिरर है, इधर टॉवल शेड है, इधर टेबल है, इधर आप नीचे बैठ सकते हैं। इसको आप चाहें तो खोल देंगे तो बैठने के लिए एक सेट हो जाएगा चेयर सेट में और इसको गिरा देते हैं तो नॉर्मली जैसे जो बर्थ होते हैं रेलवे के आपको चौड़ा सेट मिल जाता है, यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं, लेट सकते हैं। साथ में यहाँ पर खाने पीने के लिए यहाँ पर एक अलग से आपको टेबल मिलता है जिसको कि आप निकाल करके यहाँ पर चाहें तो अपना काम धाम कर सकते हैं लैपटॉप आदि पर या फिर खाना खा सकते हैं। साथ में ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से व्यवस्था होती है और इसी के नीचे उस जगह को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर आप देखिए लॉकर की सुविधा भी दी गई है जहाँ पर आप अपने कुछ जो इम्पोर्टेंट या फिर मूल्यवान जो वस्तु हैं उसको यहाँ पर सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो भी पार्टनर हो चाहे कोट पैसेंजर हो ट्रैवलर हो वो यहाँ पर आपके मित्र आपके सहयात्री बैठ सकते हैं और यहाँ पर इस तरह का पूरा स्पेशस है जिसमें कि आधे साइड में मान के चलिए कि आपको सीट होता है और आधे से थोड़े से अधिक में यहाँ पर आपको इस तरह से खाली स्पेस मिलता है। और यहाँ बैठने के बाद आप यहाँ से विंडो से अपने यात्रा के बाहर के दृश्य देख और आनंद उसका ले सकते हैं।
तो इस प्रकार से इसका इंटीरियर है बैठने वाला। अब मैं आपको आगे दिखलाता हूँ कि किचन और जहाँ पे हम रेस्टोरेंट जो कार है इसका, जहाँ पे हम सभी खाना खाएंगे नाश्ता करेंगे, वो सभी कुछ कैसा है। परंतु रेस्टोरेंट और बाकी चीजों को दिखाने से पहले कुछ और आपको मैं छोटी छोटी जानकारी दे दूं कि यहाँ ये पूरा फुल्ली एसी है। यहाँ पर आपको ठंडी एक अच्छा अनुभव मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर भी मिलता है। आपको यहाँ पर एकदम फ्रेश लिनन आप देखिए तो आपको जो चादर तकिए है वो मिलते हैं, कंफर्टर मिलता है काफी अच्छा सुंदर अच्छे क्वालिटी का, और साथ में एक टॉवल भी मिलता है। और ये अगर पिलो की बात करें तो ये कोई नॉर्मल जो एसी ट्रेन होते हैं उनके पिले नहीं, काफी बड़े और अच्छे क्वालिटी के होते हैं। आप इनके साइज देख सकते हैं कितना बड़ा ये पिलो है, पूरी की पूरी आपका जो बर्थ की चौड़ाई है वो एक उसके बराबर में है। साथ में यहाँ देखिए बाहर कुछ इस प्रकार से हमें दृश्य नदी आदि के देखने को मिल रही है। चूंकि हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ चुके हैं, पहला जो हमारा दिन का स्टॉपेज होगा वो होगा अयोध्या। अयोध्या में हमें बहुत कुछ देखने को, जन्मभूमि से लेकर हनुमानगढ़ी और नया घाट आदि राम की पैड़ी पर हमें दर्शन और स्नान आदि का अवसर मिलेगा, जिसको कि आप सभी करके धन्य हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ है, कितना पैसा लगेगा और इसके अलावा क्या कुछ व्यवस्था है यह भी मैं आपको इस वीडियो में दिखलाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखलाता हूँ इस ट्रेन के वॉशरूम। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों अलग अलग कर दिया गया है, वेस्टर्न स्टाइल है लेकिन इंडियन इधर ना होके यहाँ पर शॉवर बना दिया गया है, जहां पर अलग से सीट नहीं होती आपको, यहाँ पर केवल मिलता है शॉवर। तो यहाँ पर आप यदि चाहें तो केवल शॉवर एक अलग व्यवस्था है जिसको कि नहान घर कह सकते हैं, और एक साइड में है शौचालय जिसमें कि आप फ्रेश हो सकते हैं, और फ्रेश होने के यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पर आप चाहें तो निपट सकते हैं कहे तो, और एक साइड में नहाने की व्यवस्था इस प्रकार से दी गई है। तो अभी मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी है साहिबाबाद, और इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं समय हो रहा है 4:35, अर्थात लगभग 35 मिनट हुए हैं, और ये क्योंकि ब्रेकफास्ट का समय होता है, चाय नाश्ते का समय होता है, तो अनाउंसमेंट होता रहता है इस ट्रेन में, और अनाउंसमेंट हो चुका है इस समय हमें हाई टी का अरेंजमेंट आरंभ करने का समय हो चुका है। और ये पूरे के पूरे जो कोचेज है केबिन से सब जगह अनाउंसमेंट हो जाता है कि आप अपने अपने समय और सहूलियत अनुसार धीरे धीरे करके यहाँ आए और इस स्थान पर आकर के अपने चाय नाश्ता अर्थात अंग्रेजी में कहें तो हाई टी ले सके। ये देखिए मैं तो रांची राजधानी अभी इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, दोनों चल रहे हैं, हम दोनों चल रहे हैं बट वो अपनी स्पीड में है और हम थोड़े अभी स्लो चल रहे हैं। तो रांची राजधानी आपको इस प्रकार से ओवरटेक करते हुए यहाँ पर अभी नजर आएगी, और अब हम आ चुके हैं अपने हाई टी के लिए टेबल अडॉप्ट कर लिया है। जैसा कि देख सकते हैं अब हमारा हाई टी पांडे जी के द्वारा सर्व किया गया है। वेलकम जी, स्वागत है, धन्यवाद। और ये है देखिए हमारा जिसमें कि केक है, सैंडविच है, समोसा है और खस्ता कचौरी है, ये सब है हमें अभी खाने के लिए हाई टी में मिला है, अभी चाय आदि आना बाकी है। तो देखिए हमें कॉफी चाय का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हाई टी में, तो आप जो चाहें वो फ्लेवर अपने अनुसार ले सकते हैं। हमने अभी चूज किया ये है कॉफी, और कॉफी जो है कि ग्रैनुल्स बीन्स का जो है कि कॉफी लेट है, और इसका जो इंस्टेंट जो मिक्स है वो है, और इसके साथ ही जो इसका पीछे का डिटेल्स अगर देखना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, 2026 की इसकी लास्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट है। और इस प्रकार से अब हम करेंगे कॉफ़ी का सेवन, आने वाला है अब पानी, पानी मिलते ही हम इसको मिक्स करेंगे और पिएंगे। सकते हैं ये है चीज़ बर्गर, अरे चीज़ सैंडविच। तो इस प्रकार से है, तो अब हम करेंगे ग्रहण। तो देख सकते हैं मित्रों जैसे कि 129:30 की स्पीड से चल रही है, और इस समय इस भारत गौरव ट्रेन की जो स्पीड है वो भी एक नॉर्मल जो हाई स्पीड है उसकी तरह से चल रही है, 132 देख सकते हैं कितनी, अब देखिए 35 तक जा रही है, अभी ये कहां तक जाएगी अभी ये देखने की बात है। देखो भाई 134 की स्पीड से हमारी जो भारत गौरव ट्रेन है नेपाल मैत्री यात्रा वो चल रही है, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की ट्रेन इतनी चल रही है, 130 के लगभग की जो स्पीड है वो हमारी यह ट्रेन पकड़ चुकी है। हाँ
तो मित्रों समय आप देख सकते हैं 8:10 रात्रि के, और हमारे पास जो है कि जो नाश्ता है खाने का मतलब स्टार्टिंग हो चुका है। स्टार्टर्स है जिसमें कि नौ टोमेटो केचप है, और यहाँ से ब्रेड स्टिक और बटर के साथ हमारा जो है कि स्टार्टर स्टार्ट हो जाता है, और इसके पश्चात जस्ट अब हमारा स्टार्ट होगा डिनर। तो ये है डिनर का आगाज। तो मित्रों बता दो कि चूंकि ये एक नॉर्मल टूरिस्ट ट्रेन है, एक रिलीजियस टूरिस्ट ट्रेन है एक तरीके से, क्योंकि आप धार्मिक स्थलों को भ्रमण करते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो केवल और केवल वेज होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बटर से आरंभ कर रहे हैं और ये हमारा वेज टोमेटो सूप है। तो बस ये ऐसे ही आपको वेज प्योर अच्छे टेस्टी फूड आपको इस पूरी ट्रेन यात्रा में मिलते हैं। फिर मैंने सीटी स्कैन भी कराया अभी 4 दिन पहले। तो चलिए भाई अपना डिनर आ चुका है, डिनर में दाल है तो लगा सकता हूँ, एडेक से फास्ट टेस्ट लगा के, और जैसे कई बार नस की चीज जाती है, नस की चीज की तो नस पे यार लगा के बता। तो मित्रों अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो है कि पूरा फूड है वो हमने पूरी थाली में ले लिया है, जिसमें कि सलाद है, पनीर की सब्जी है, मिक्स वेज, चावल, दाल और इधर पराठे। पराठे छोटे हैं और मैं आपको बता दूं ये कोई सादे पराठे नहीं, मेथी के पराठे हैं, और साथ में जो आप यहाँ पर सब्जी देख रहे हैं ये सारी सब्जी है, और साथ में एक स्वाद मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हैं। बहुत अच्छा है, सैलेड भी है और पराठे, क्योंकि मेथी वाले हैं तो यहाँ पे सेहत का पूरा ध्यान रखा जाता है, वेज तो अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो साथ में जो स्वीट के नाम पर यहाँ पर आपको जो फ्लेवर्ड दही है वो भी मिलती है, जिसमें कि स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और प्लेन आदि सब मिलते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है, जो हमेशा से हमारे ट्रेन भारत गौरव रहा है वैसा ही टेस्ट है। और अब हम करते हैं अपने भोजन को समाप्त, मिलते हैं आपसे आगे। बता दो आपको कि दाल मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मैंने दोबारा ले लिया दाल। तो मित्रों जैसा कि देख रहे हैं हमने अपना खाना जो है कि भोजन ग्रहण कर लिया, समाप्त हो गया, और लेकिन अभी ये सेवा समाप्त नहीं हुई है, और सेवा के अंतर्गत हमें देख सकते हैं कि फ्रूट की भी सुविधा उपलब्ध है। तो जिसे भी फ्रूट खाना हो खाने के बाद, ये भी इस ट्रेन में हमें इसकी सुविधा मिलती है। तो खाते रहिए, मजा करते रहिए, और यही इस ट्रेन की, इस यात्रा की खासियत है। तो मित्रों हमने अपना डिनर कर लिया है, डिनर मैंने आपको दिखाया बहुत टेस्टी था, और अब इस समय हम आ चुके हैं अपने इस पुराने आशियाने में, जहाँ पर हमें अपना जो पूरी जर्नी है वो गुजारनी है, और यहीं पर हमारी रात्रि होगी इस कम्फर्टर और इस पीलो के साथ। तो मित्रों जैसा कि आप समय देख सकते हैं, इस समय हो रहा है 11 बज रहे हैं, और खाना पीना जब ख़त्म हो जाता है, मतलब कि सब लोग खा पी लेता, तो रात में ऐसा नहीं है कि ट्रेन को छोड़ दिया जाता है गंदगी में, रात होने से पहले ही देखा जाए तो पूरी तरह से झाड़ू उड़ू लगा के यहाँ पर इसको सैनिटाइज किया जाता है, साफ़ सफाई पोछा आदि होता है, ताकि कल सुबह हमें पुनः साफ़ सुथरा जो है किचन और जो रेस्टोरेंट है वो देखने को मिले। तो मित्रों जैसा कि देख रहे हैं आप, इस समय हम आ चुके हैं कानपुर। कानपुर हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है, और समय लगभग 1 बज रहे हैं रात्रि के। आपको बता दूं कि कल की हमारी जर्नी बहुत ही फंटेस्टिक ऑसम होने वाली है, कल हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, तो जो कल की हमारी जर्नी होगी उसे देखना ना भूलें, मिस एकदम नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको अयोध्या की जानकारी और इस ट्रेन से रिलेटेड मैं आपको एक्सपीरियंस कराने वाला हूं, और इसकी बहुत सारी जानकारी आपको कल की वीडियो में देने वाला हूं। तो अब कल हमारा जो सुबह होगा वो होगा अयोध्या में, और अयोध्या के सारे जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं वहां पर हम कल पहुंचेंगे, और इस वीडियो को आज के जो डे वन है वहां इसको मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं। कल की वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेंगे, अयोध्या दर्शन भी होगा, साथ में मैं आपको इस जर्नी की बहुत सारी एक्सक्लूसिव और जो कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो भी दूंगा, जिसमें कि पैसे से लेकर के आइटनरी से लेकर के बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा कल के दिन भी, आज का तो यहाँ पर मैं समाप्त करते हैं।
तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई जर्नी इस यात्रा की अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।